इनका पेरेंट्स जानते हैं भाई से पूछ कर। बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में बच्चा है ये। अस्सलाम वालेकुम। खीरा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम वाले गाँव मंडी में मौजूद हैं, जो कि ये मंगल वाले दिन ये पेड़ी लगती है। अभी तो रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि मंडी में माल कम आ रहा है और बहुत कम सेल परचेजिंग चल रही है। कुछ अभी ऐसी अपडेट्स मौसूल नहीं हो रही हैं कि जिन बछड़ों की वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ ट्रीटमेंट सामने आई हो। तो खैर बहरहाल, जो हम पहले भी बता चुके हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है अपने जानवरों की, वो जानवर तो अपनी जगह राइट हैं। बाकी कुछ ऐसे जानवर हैं तो उनसे अवॉइड करें। सेल परचेजिंग करते वक्त कुछ ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने शौक में इजाफा करें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये मंडी का ओवरऑल व्यू है। मेरे दाएं जानी भी आप ये देख सकते हैं, फुल एरिया ये पूरा भरा हुआ होता है। और इस साइड पे जो जानवर हैं, फैंसी जानवर हैं और फैंसी माल भी है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ के रेट्स वगैरह देखते हैं। अभी तक तो माल मुझे साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है मंडी में। बाकी रेट्स का सबसे बड़ा लोगों को इंतज़ार है कि रेट्स में कुछ कमी आई है, रेट्स ज़्यादा हैं। माशाल्लाह से दो बच्चे खड़े हैं, इनका प्रिंट जानते हैं भाई से पूछते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में बच्चा है ये। अस्सलाम वालेकुम। खीरा है, दो दांत हो रहा है। हो रहा है, क्या पैसे बोल रहे हो इसका? अभी पक्का खीरा है, दांत गिरा रहा है। क्या पैसा है? 3.5। 3.5 लाख रुपये। और इसका? ये भी 3.5। ये भी और 3.5, वो भी 3.5। और ये भी खीरा है पक्का? कौन सा? ये काला वाला, ये तीसरा दांत निकाल रहा है। तीसरा दांत निकाल रहा है ये वाला ब्लैक ब्यूटी। और इसके साथ जो है ये कौन सी नस्ल में आएगा? चौलिस्तानी नस्ल में है ये पक्का खीरा। ये भी दांत गिरा रहा है। 3.5 लाख रुपये मोल, और जोड़ी का 7 लाख रुपये बन रहा है। और मेरे हिसाब से ये वेट में जाएगा तकरीबन 7 से 8 मंथ के दरमियान। ये वाला फुल कसवा बच्चा है, कोई गुंजाइश नहीं है, झालर नाफा देख सकते। और ये वाला इससे थोड़ा कम है, तो ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि मैं इसकी गुलाई दिखा रहा हूँ पीछे से इस बच्चे की। ये देख सकते हैं, ये भी 7 हो सकता है। ताजी नंबर बताओ। 03 06 02 8 3 7 4 3। रिपीट कर दो नंबर। 03 03 03 06 02 8 3 7 4 3। ठीक है जी, ये भाई का नंबर आ गया। दो बछड़े थे और बड़े ही नज़र आए थे मुझे अभी मंडी में। ये सब दरमियाना माल है, इसमें कुछ माल है बीच में, देखते हैं। जैसा कि भाई के पास एक ऑस्ट्रेलियन में है, और दोनों ऑस्ट्रेलियन में क्रॉस हैं, देसी विलायती बच्चे हैं। माशाल्लाह से प्रिंट चेक करें बच्चे का। मोल का था उसका? 2.70। उस वाले का? उसका भी 2.70, उसका भी 2.70। और ये मुँह से क्या है जी? मुँह से 2 हो चुका है, ये 2 होने वाला है। अच्छा, ये वाला 2 होने वाला है। हाँ। और वो 2 हो चुका है। अच्छा, ये वजन में क्या होंगे? ये गोश में ये 7-7 मन होंगे। 7-7 मन। खैर मेरा भी ये अंदाज़ा ज़्यादा 6 से 7 के दरमियान में ये हैं बच्चे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में होते हैं, काफ़ी लंबी हाइट में ये बच्चे होते हैं। तो भाई कहाँ तक इरादा है आपने देने का? 170। ठीक है, नंबर बताओ। नंबर नहीं है, जब्बार जमाली का। जब्बार जमाली, ठीक है जी। जब्बार, ये भी आपका? इसका क्या कह रहे हो? इसका 170। इसका 170 कह रहे हैं। वो देने वाले 1.10। 1.10 का देना है। ये दांतों में क्या? ये दांतों में खीरा है। अच्छा, ये वाला दांतों में खीरा है, लेकिन ये हो जाएगा 2022 में? ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 22। वैसे तो ये भी हो जाए, 2 दांत तो वैसे हुए हैं। इसने तो दांत तोड़े हैं। इसने दांत तोड़ दिए, मतलब हो गया ना 2 दांत। ये भी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, खीरी हैं दोनों? हैं। क्या मोल कर रहे हो इनका? 3.5 लाख रुपये करके मोल कर रहे हैं एक का, जोड़ी का 3.5 लाख में, 2 दांत हैं। तो व्यूअर 3.5 लाख में मॉल कर रहे हैं। और इनके वेट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन 3.5 से 4 के दरमियान में होगी। ये वाली 4 से ऊपर ये वाली, चले 4 से ऊपर भाई बता रहे हैं। और 7 वाली वो भी ऊपर है। ठीक है, आखिरी कहाँ तक इरादा है देने का? 3 लाख। 3 लाख का। अच्छा, मैं पीछे से बैग भी दिखा देता हूँ जानवरों की।
ये बछड़ों की जानवर बच्चियों की बैग है और काफ़ी हाइट वाली बच्चियाँ हैं और अच्छी वज़नदार बच्चियाँ हैं। तो भाई से कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं इनसे। भाई नंबर है आपका बताओ। 0324 26 39 404। तो ये मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ, इस तरफ जो देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कट्टू माल होता है और यहाँ पे भी रेट्स जानते हैं अगर कोई भाई बताएगा तो। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रेसिव हैं जानवरों के रेट्स वगैरह बताने से कासिर हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको रेट्स की अपडेट्स करने की और पूछते हैं भाई से कि यहाँ पे क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या मोल कर रहे हो इनका बच्चों का? इनका जी इसका 125। एक 125 एक खीरा है दोनों? एक खीरा है। अच्छा ये वाला खीरा मतलब 2022 पे लग जाएगा। हाँ। और इसके साथ वाला ये बच्ची है? हाँ। वो बच्ची है? हाँ। वो भी खीरी है? हाँ। अच्छा उसके क्या मोल कर रहे हो आप? इसका 110। एक 110 ठीक है जी। व्यूवर्स इसका 125 कह रहे हैं बछड़े का, उसका 110 कह रहे हैं। अच्छा वजन में दोनों बराबर लग रही हैं मुझे, हैं या 19-20 होगा? 19-20 है। अच्छा ये बच्ची है इसका क्या मोल कर रहे हो? इसका 1.5। 1.5 करके मोल कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट खीरी होगी है ना? ठीक है जी। तो ये माल तो यहाँ पे रेट्स में काफ़ी मुझे कमी नज़र आई है क्योंकि यहाँ पे कटने के हिसाब से कुछ जानवर लोग परचेस करते हैं। और ये बच्चा अच्छा लगा मुझे, ऑस्ट्रेलियन में क्रॉस है और वेट के साथ वज़न भी बता दिया। इसी के साथ मैं आगे की तरफ जाऊँगा। भाई ने पैसे भी लगाए पूछते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं वो? लिया है। अच्छा लिया है, कितने का? 135 का। मंडी कैसी लगी है? मंडी तेज़ है। ये एरिया ऐसा होता है कि यहाँ पे चलने तक की जगह नहीं होती, तो अभी आप देख सकते हैं इजीली मैं कितना वॉक कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये भाई के पास एक बछड़ा खड़ा हुआ है, इसका भी पूछते हैं भाई से। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बछड़ा है, हाइट वाला है। साथ क्या मोल कर रहे हो इसका? 170। और मुँह से क्या है? 2 दांत हैं। ठीक है जी, 2 दांत हो चुका है 2022 की कुर्बानी में। और कितनी गुंजाइश हो जाएगी? उसकी गुंजाइश हो जाएगी कितनी? 1.45। बिल्कुल आखिरी। अच्छा वज़न में कितना होगा गोश्त में? 5 मन। क्या बोल रहा भाई इसके पैसे बता? इसके 190 भाई। 190? अरे खाली 90 भी बोल दे मेरे भाई, दे दे गरीबों का फ़ायदा कर दे कुछ, कुर्बानी कर लें। सेठ जो खड़े हैं मेरी टांगे काट देंगे। तो दे देगा कितने का? 180 का। 180 तो दादा है यार, 180 क्या बोल रहा है भाई, 180 देने वाले बता यार उस बच्चे के। 180 फाइनल मतलब इतना छोटा है वो तो। अच्छा 155 की ये बच्ची है, ये देख ले। ये दांतों में खीरी है? खीरी है, ये खीरी है। ये आखिरी कितने हैं? 130। मैं एक से नीचे के कोई बात नहीं। और इसके पास भी दो बच्चे खड़े हैं, पूछते हैं लड़के खीरे हैं तो अंदर? ये दो, ये खीरा। अच्छा ये वाला 2 दांत है और ब्लैक वाला खीरा है, क्या मोल कर रहे हो इनका? 95। अच्छा इसका 85,000 रुपये कह रहे हैं और उसका 95 कह रहे हैं। ये देख लें बच्चे, अब ये वाला थोड़ा हाइट में बड़ा है, ये छोटा है। और वज़न का भी पूछ लेना भाई, ये गोश्त में कितने होंगे दोनों? हाँ 120। और पल्ली तरफ वाला तो कहाँ तक आखिरी मतलब दोनों के हो जाएंगे गुंजाइश? बिल्कुल हाँ ना, ये वाला थोड़ा खूबसूरत भी छोटा भी है और इसके 85 बोले भाई ने, अच्छा भी है। और वो वाला थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, ये काटू में भी जा सकते हैं, प्लाई पे भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपना। अली भाई मेरा नाम उज़ैर है जैसे आपको पता है, और कराची गड्ढे कलेक्शन के नाम से चैनल है। अच्छा उज़ैर भाई, आप माशाल्लाह से मंडी कवर करते हैं जानवरों की, तो अभी क्या सूरत हाल मंडी में देखने में आ रही है? क्या है कि माल महंगा है, सस्ता है, क्या रिपोर्ट मौसिल है आपके चैनल के हवाले से? अली भाई सीन ये है कि देखें रेट तो मोल तो ऊपर होते ही। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कि अगर यहाँ पर आप लोग आओ जी, ये कि बात बन जाती है, सौदा बनाने से बनती है बात। ठीक है बिल्कुल। तो ये पोजिशन है मंडी की, क्योंकि देखें बहुत से लोगों का मतलब हमारी यही शिकायत आ रही होती है कमेंट में कि रेट वगैरह काफ़ी ऊपर चल रहे हैं काफ़ी है, लेकिन ये कि यहाँ पे सौदे आपके सामने भी ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उसकी वजूहत यही है कि अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करते हैं जी, ये कि वो एक
एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ये कि आप किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जी ताकि जी. ये कि थोड़ी तोड़ मोड़ जो भी होती है बारिश की तो वो अच्छी हो पाए. मतलब एक वीडियो में देखने से और एक लाइव देखने से बहुत फर्क आता है. फर्क होता है. ठीक है. तो ये माशाल्लाह सौदे कैसे. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो हम देखें हमारे मंडी का हिस्सा है हमारे समझे ये घरेलू बात है. हमारे से कोई ढकी छुपी वाली बात नहीं. तो ये उदयर भाई थे. उदयर भाई आपका बहुत शुक्रिया इनके चैनल को और हमारे चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करें. वो कराची कैटल कलेक्शन के नाम से इनका चैनल है. तो बड़ी मेहरबानी आपकी उदयर भाई. बहुत शुक्रिया जी. भाई के पास बहुत ही खूबसूरत तीन बछड़ी खड़ी हैं. तो ये प्योर मोनी में ये भी मोनी में थोड़ी सी वाली है माशाल्लाह ज़बरदस्त हाइट में उसके दोनों के दोनों कुछ गोले बने हुए आपको नज़र भी आ रहा होगा. ये देख सकते हैं. मैं दूर से दिखाता हूँ आपको. अभी तक डिटेल वगैरह नहीं पूछी. मालूम करते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं भाई. सलाम वालेकुम. कौन भाई सर क्या मोल कर रहे हो उसका बछड़ी का. कौन सी ये बीच वाली का. बीच वाली का 250. 250 ये खीरी है दोनों. दो दांत का. दो पक्का. दो. और ये वाली. ये भी दो है. ये भी दो दांत है. इसके 220 मांग. इसके 220. और जो लास्ट में ब्राउन वाली 280 मांग. 280. अच्छा इनका वेट का भी बता दें. वेट तकरीबन 4 मंथ ऊपर. 4 मंथ से ऊपर. और सेंटर वाली 4 मंथ वो भी. और लास्ट वाली ये 5.5 मंथ. 5.5 मंथ से ऊपर जाएगी. अच्छा इसमें प्राइस में कितनी आप मतलब गुंजाइश कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. हो जाएगा इंशाल्लाह. इतना ज़्यादा नहीं है. मैंने आपको वैसे फिक्स बताएं. अच्छा मतलब गुंजाइश हो जाएगी. पता है मंडी डाउन है. जी जी. लेकिन आगे जाके इस माल को भी मैं 3 लाख रुपये आराम से बेच सकता. ठीक है. जैसे कि भाई ने बोला अभी इस माल की कीमत ये है. आगे जाके ये माल की कीमत 3 लाख रुपये हो जाएगी जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा. ठीक है. अच्छा ये भी आपका माल है. ये सारा घर का पला हुआ माल है. अच्छा हाइट वाली है. थोड़ा आगे करना है इनको. इसमें एक दांत तोड़ चुकी है और बाकी 4 2 दांत. अच्छा ये 4 2 दांत है. वो लास्ट वाली एक दांत तोड़ चुकी है. ठीक है. एक महीने में ज़्यादा 2 पूरी हो जाएगी. 2 पूरी हो जाएगी. ये तकरीबन 5 मंथ ऊपर है. अच्छा. और वो 4.5. वो 4.5. 5.5 4.5. और इनका जो माल में मीट वेट स्टार्ट हो रहा है 4 से 6 तक के दरमियान. इनकी डिमांड भी बता दें भाई. इसकी डिमांड मैं कहता हूँ 280. 280. 220. 220. 280. 220. इसकी 220 मांगना सही. इसके 270 मांगना. 270 बीच वाली का. इसके 280. और लास्ट वाली के 280. ठीक है भाई. नंबर बताइएगा अपना. पडेला केटल्स के नाम से इनका फार्म है. और नंबर मैं बता रहा हूँ भाई को 0330033 और लास्ट में एक और नंबर है. मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ 0300 281 4604. ठीक. क्या नाम है आपका. मोहम्मद आरिफ.